कहानी है दो भाइयों की जिन्हें लगता है कि सुपरमैन असल जिंदगी में होते हैं और वो लोगों की मदद करते हैं, इसलिए वो सुपरमैन से मिलने के लिए एक गधे पे बैठकर अमेरिका जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है, ये है इराक, वक्त है 1980 का। इराक के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते, बड़ा भाई जिसका नाम दाना था और छोटा भाई जिसका नाम जाना था। ये दोनों भाई अनाथ होते, इन्हें फुटबॉल खेलना काफी पसंद होता है, पर अगर कभी सुपरमैन की फिल्म सिनेमा घरों में आए तो ये फुटबॉल को छोड़कर फिल्म देखने चले जाते हैं। और ऐसे ही आज इनके कस्बे में सुपरमैन की फिल्म लगी है, पर इनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए दोनों भाई थिएटर के पीछे जो एक टूटी हुई खिड़की होती है वहीं से चोरी छिपे फिल्म देखने लगते हैं। लेकिन जब वो फिल्म देख रहे होते हैं तभी उन्हें सिनेमा घरों के कुछ लोग देख लेते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। फिर वो एक ऊंची चट्टान के पास जाते हैं और वहां से दाना जो बड़ा भाई होता है वो जाना से कहता है कि उन पहाड़ों के पीछे से एक दिन सुपरमैन हमारे इस गांव में आएगा और हमारी मदद करेगा। दरअसल ये दोनों भाई उम्र में काफी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें लगता है कि सुपरमैन असल जिंदगी में होते हैं। जाना कहता है कि क्यों ना हम सुपरमैन से मिलने जाएं। इस पर दाना कहता है कि हाँ, वो अमेरिका में रहता है, मुझे भी सुपरमैन से मिलना है, पर अमेरिका जाने के लिए इनके पास उतने पैसे नहीं है। ये दोनों भाई बूट पॉलिश का काम करते हैं। काम खत्म करके ये दोनों भाई पास के ही एक दलाल के पास जाते हैं जो लोगों का पासपोर्ट बनाता था। ब्रोकर उन्हें अमेरिका जाने का खर्च बताता है। इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पासपोर्ट बना सके, इसलिए वो ऊपर वाले से विनती करते हैं कि उनका अमेरिका जाकर सुपरमैन से मिलने का सपना पूरा हो। यही इस कस्बे में एक लड़की होती है जिसे दाना पसंद करता है, और कहीं ना कहीं वो लड़की भी दाना को पसंद करती है। टीलिया जब पास से गुजर रही होती है तो दाना उसका पीछा करने लगता है और इधर जाना अकेला ही बूट पॉलिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद दाना जब वापस आता है तो जाना उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि ये काम उससे अकेला नहीं होता। दाना उससे माफी मांगता है। फिर एक दिन दाना को पता चलता है कि टीलिया जिसे वो पसंद करता है उसकी नेकलेस पानी में गिर गई है, तो दाना उस नेकलेस को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है। पर यहाँ में पता चलता है कि उसे तैरना नहीं आता, पर फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पानी में कूद गया था। उसे डूबता हुआ देख कस्बे के लोग उसे पानी से बाहर निकालते हैं, और यहाँ जब उसे पानी से बाहर निकाला जाता है तो हम उसके हाथ में एक नेकलेस देखते हैं, और इसका यह मतलब था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नेकलेस पानी से खोज लिया था। वो नेकलेस को पाकर बहुत खुश था। फिर वो नेकलेस को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर उसे देने जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। वो उसकी गाड़ी को देख लेता है और उसके पीछे भागता है ताकि वो नेकलेस उसे दे सके, पर गाड़ी निकल जाती है। अपने गर्लफ्रेंड के चले जाने से वो काफी दुखी होता है। इधर जाना अपने चाचा के पास जाता है। जाना के चाचा जाना को एक साथ कई लकड़ियां देते हैं और उसे तोड़कर दिखाने को कहते हैं, पर जाना ऐसा कर नहीं पाता, तो उसके चाचा उसके हाथों से लकड़ियों को लेकर एक लकड़ी देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि इसे तोड़ के दिखाओ, और इस बार जाना लकड़ी को तोड़ देता है। तो उसके चाचा उसे कहते हैं कि ये देखो कि एक साथ मैंने तुम्हें कई लकड़ियों को तोड़ने को दिया था पर तुमने ऐसा नहीं कर पाया, पर मैंने जब तुम्हें एक लकड़ी दी तो तुमने उसे आसानी से तोड़ दिया। इसका मतलब समझे, एकता में बल होता है। तुम जब तक अपने भाई के साथ रहोगे तो तुम मजबूत रहोगे, तुम बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाओगे, लेकिन जब दोनों भाई एक साथ हो तब तुम उससे वादा करो कि दोनों भाई एक साथ रहोगे। जान अपने चाचा से वादा करता है कि दोनों भाई एक साथ ही रहेंगे, वो कभी भी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे का साथ जीवन भर देंगे। अब अगली सुबह में दिखाया जाता है कि जाना के चाचा के दुकान के बाहर काफी भीड़ लगी है। जाना अंदर जाना चाह रहा होता है पर भीड़ काफी ज्यादा होती है, और तभी हमें पता चलता है कि जाना के चाचा की मृत्यु हो गई है। अपने चाचा की मौत से दोनों भाई काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि चाचा के अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी ना था। दोनों चट्टान के पास जाते हैं जहाँ दाना अपने छोटे भाई को वर्ल्ड मैप दिखाता है, और उसमें वो अमेरिका को दिखाकर कहता है कि अमेरिका हमारे देश से बहुत दूर नहीं है, मैंने इसके लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया है, और पासपोर्ट के लिए हम अपनी माँ का नेकलेस बेच देंगे। अब अगले दिन दोनों भाई ब्रोकर के पास जाते हैं और अपनी माँ का नेकलेस ब्रोकर को देते हैं, और ब्रोकर साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इसकी उतनी कीमत नहीं है कि जिससे कि मैं तुम्हारी पासपोर्ट बना दूं। वहीं पर एक आदमी होता है जो उस नेकलेस को देखता है और कहता है कि ये तो मेरे दोस्त की वाइफ है। जाना कहता है कि ये हमारी मॉम है। फिर वो आदमी कहता है कि एक समय था जब तुम्हारे पिता मेरे साथ आर्मी में थे और उसने मेरी एक बार जान बचाई थी। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं अमेरिका जाने में मैं उसे देख लूंगा। पर तभी बाजू वाला आदमी कहता है कि ये तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि ये अभी उम्र में काफी छोटे हैं, इनकी जान को वहाँ खतरा हो सकता है। यह बात सुनने के बाद दाना के पिता का दोस्त पीछे हट जाता है और उन भाइयों को समझाता है कि वो अमेरिका जाने का जिद छोड़ दे। जाना एक लड़के के साथ कंचे खेल रहा होता है। उस कंचे के खेल में जाना उस लड़के के गधे को जीत लेता है।
गधे को पाकर जानक काफी खुश होता है। वो गधे को लेकर अपने भाई के पास जाता है, जहां उसका बड़ा भाई भी गधे को देखकर बहुत खुश होता है। पर तभी गधे का मालिक उनसे लड़कर उनसे गधे को छीन लेता है। गधे के चले जाने से दोनों भाई को काफी दुख होता है। जो उनके पास बचे हुए पैसे होते हैं वो उनसे गधे के मालिक से गधे को खरीद लेते हैं। गधे वाला आदमी पूछता है कि तुम आखिर इस गधे के साथ क्या करोगे। इस पर जाना कहता है कि हम इससे अमेरिका जाएंगे। गधे वाला दोनों भाइयों का प्यार और उनकी नादानियां देखकर ऊपर वाले से दुआ करता है। अब दोनों भाई अमेरिका जाने की तैयारी करने लगते हैं, और जाने से पहले ये दोनों अपने माँ बाप के कब्र के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम दोनों भाई अमेरिका जा रहे हैं सुपरमैन से मिलने। अब दोनों को अब और इस गर्मी में सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सुपरमैन को यहाँ लेके आएंगे जो आप दोनों को जिंदा कर देगा। ये बच्चे काफी मासूम होते हैं, नादान होते हैं। ये जिस दिन गांव से निकलने वाले होते हैं तो सभी बच्चे इन्हें अलविदा कहने आते हैं। दोनों गांव वाले से वादा करते हैं कि जब वे सुपरमैन से मिल लेंगे तो ये जरूर सुपरमैन को इस गाँव में लाएंगे, फिर इस गाँव की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और अब ये अपने गांव को छोड़कर अमेरिका की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों भाई काफी खुश होते हैं। रास्ते से गुजर रहे गाड़ियों में बैठे लोग इन दोनों भाइयों को गधे पर जाते बड़े ही इसलिए निगाहों से देखते हैं। इनके पास एक डायरी भी होती है जिस पर इन्होंने वो सारे नाम लिख रखे थे जिन्हें ये सजा दिलाना चाहते थे। इनके डायरी में सद्दाम हुसैन का भी नाम था, जो कि छोटा भाई जाना ने लिखा था, क्योंकि उसने ही जंग शुरू किया था और उसी जंग में इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये सुपरमैन से मिलकर इन्हें सजा दिलाएंगे। ये दोनों गधे पे बैठकर चलते चलते अपने गांव कस्बे से काफी दूर आ चुके हैं। रास्ते में ये बीच बीच में आराम करने के लिए रुका भी करते हैं। फिर तभी एक जगह रुकते वक्त ये गधे को अच्छे से नहलवाते हैं और आराम करने के बाद ये एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वहीं इन्हें सफर के लगभग 2 दिन हो चुके हैं, पर फिर भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ है। तभी रास्ते में इन्हें एक कोल्ड ड्रिंक्स भरी ट्रक दिखती है। इन्हें कड़कती धूप में सफर करते करते प्यास भी लगी थी, इसलिए दाना उस ट्रक से कोल्ड ड्रिंक निकालने की सोचता है। दाना ट्रक में चढ़कर 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकाल लेता है, पर तभी ट्रक अचानक से चलने लगती है और ऐसे यहाँ दोनों भाई अलग हो जाते हैं। जाना गधे को भगाने की कोशिश करता है, पर ये गधा था ना कि घोड़ा। जाना ट्रक के पीछे भी दौड़ता है, पर ट्रक की रफ्तार ट्रक दूर जा चुकी थी। अपने भाई के बिछड़ने से जाना काफी दुखी हो जाता है। जाना गधे को लेकर उसी रास्ते निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बैलगाड़ी को खुद से खींचता हुआ जा रहा होता है। ये देखकर जाना उसकी मदद करता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुम इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। इस पर वो अपने भाई के बिछड़ने और अमेरिका जाने की बात बताता है। दोनों बातें करते जा रहे होते हैं, तभी कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में जानो को एक लड़का दिखाई देता है जो बिल्कुल उसके ही भाई जैसा लग रहा होता है। और पास आने पर उसे पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी का ही भाई है। जाना भागता हुआ अपने भाई के पास जाता है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ दाना के हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक होती है जो उसने ट्रक से निकाला था। जाना अपने कोल्ड ड्रिंक में से आधे उस बूढ़े आदमी को पिलाता है और अपने सफर की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते इन्हें शाम हो जाती है, इसलिए पास के ही गांव में आराम करते हैं। अगली सुबह ये अपने गधे को लेकर फिर से निकल पड़ते हैं। कई घंटों चलने के बाद ये बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आर्मी वाले लोगों की चेकिंग कर रहे होते हैं। आर्मी वाले इन्हें देखकर कहते हैं कि तुम्हें कहां जाना है। जाना कहता है कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं, हम अमेरिका जा रहे हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे ऑफिसर्स हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोई गधे पे बैठकर अमेरिका नहीं जा सकता। इसलिए वो उन्हें मजाक में लेकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। रास्ते में ये एक आदमी को देखते हैं जो इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवा रहा था। दाना कहता है कि हमें भी बॉर्डर पार जाना है, इसमें आप हमारी मदद करें। पर दोनों भाई उम्र में काफी छोटे थे, इसलिए वो आदमी उन्हें मना कर देता है। पर जाना अपनी जिद पर अड़ा होता है, वो काफी रिक्वेस्ट करता है, इसलिए वो आदमी उनकी बात मान जाता है। लेकिन बॉर्डर पार कराने के बदले वो उन्हें गधे बेचने को कहता है और उनसे मिले पैसे वो जमा करने को कहता है। अब दोनों भाई इस पर थोड़ा सोच विचार करते हैं। दोनों तय करते हैं कि वो गधे को बेच देंगे। दोनों भाई गधे को बेचने बाजार जाते हैं, जहां पर दाना अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। मिलने पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि हाँ वो अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन उसके जो चाचा थे वो अमेरिका जाने से मना कर दिए और अब मैं यहाँ अपने मासी के यहाँ रहती हूँ। ये जानने के बाद दाना उसके मासी के यहाँ चला जाता है और सारी रात उनके घर के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता रहता है। सुबह होते ही वो उससे मिलता है और उसे बताता है कि वो सारी रात उसके घर के ही बाहर था। दोनों एक साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। वहीं इधर जब जाना उठता है तो वो देखता है कि उसका भाई उसके साथ नहीं है और बॉर्डर पार कराने वाला भी आदमी निकलने वाला है। इस बात से जाना काफी गुस्से में होता है। वो अपने भाई को हर जगह ढूंढ रहा होता है।
स्मगलर जाना से पैसों के बारे में पूछता है, पर जाना अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है। स्मगलर को कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो वहां से निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद दाना वापस आता है तो जाना उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो स्मगलर के बताए हुए टाइम पर नहीं मिला। दाना कहता है कि अब हम अमेरिका नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे है। ये सुनकर जाना को काफी दुख होता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अमेरिका सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जाना चाहते थे, तुम्हें अपने माँ बाप की नहीं पड़ी थी। मैं अपने माँ बाप के लिए अमेरिका जाना चाहता था ताकि मैं सुपरमैन से मिलकर उन्हें जिंदा कर सकूं। जाना अपने बड़े भाई को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और एक बड़े से फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है। फैक्ट्री के बाहर बहुत सारे ट्रकों की आवाजाही हो रही होती है और ये सभी ट्रक बॉर्डर पार ही जा रहे होते हैं, इसलिए जाना उनमें से एक ट्रक के नीचे चुपके से लटक जाता है। उसे ट्रक में लटके काफी परेशानी हो रही थी। वो कहीं ना कहीं डर भी रहा होता है कि अगर उसके हाथ छूटी या कोई रास्ते में कोई पत्थर आया, पर हिम्मत करके वो किसी तरह से बॉर्डर तक पहुंच जाता है जहां आर्मी ऑफिसर ट्रकों की तलाशी लेते हैं, पर वो उनसे छिपता जाता है। और तभी हम यहाँ पे उसके बड़े भाई दाना को देखते हैं जो एक ट्रक से निकलता है और यही दोनों भाई एक बार फिर से मिल जाते हैं। फिर दोनों भाई ट्रक के नीचे होते हुए पहली चेक पॉइंट को पार कर लेते हैं, पर बॉर्डर तक पहुंचने में इन्हें और भी कुछ समय लगने वाले हैं। दोनों को वहां अपने पिता का दोस्त दिखता है जिसने इन्हें अमेरिका जाने का भरोसा दिलाया था। दाना का पिता का दोस्त भी इन्हें देख लेता है और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करे हो, तुम दोनों को मैंने समझाया था, तुम्हें मना किया था कि तुम्हें अमेरिका जाने की जिद छोड़नी होगी क्योंकि उसमें तुम्हारी जान को खतरा है। पर दोनों भाई उनसे काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी तरह से उन्हें सिर्फ बॉर्डर पार करवा दे। उनके काफी जिद के वजह से वो उन्हें एक आदमी के गाड़ी में छुपा देता है। दोनों भाई गाड़ी की डिक्की में होते हुए आखिरकार बॉर्डर पार कर ही लेते हैं, पर थोड़ी और आगे जाने पर उस आदमी को पता चल जाता है कि उसके गाड़ी में दोनों छुपे हैं, इसलिए वो आदमी दोनों को डिक्की से बाहर निकाल देता है और ये एक सुनसान भीड़ इलाका होता है। दोनों भाई उस आदमी से मदद मांगते हैं पर वो आदमी उनके एक भी नहीं सुनता और अब ये दोनों एक सुनसान अनजान जगह पे फंस चुके हैं। पर दोनों भाई एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जंग हुई थी। दाना गलती से क्लैन माइन के ऊपर पैर रख देता है और ये वहां से उसके हटते ही फट सकती है, इसलिए दाना वहां से हिलता नहीं है और जाना को जल्दी से मदद लाने को कहता है। जाना अपने भाई की जान बचाने के लिए पास के ही गाँव में मदद मांगने जाता है पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर दाना इस कड़कती तेज धूप में धीरे धीरे अपना होश खो रहा होता है। वो कई घंटों से भूखे प्यास से खड़ा है। दाना समझ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए मरने से पहले वो अपने भाई से माफी मांगता है। फिर वो लैंड माइन से हट जाता पर वो माइन नहीं फटता, यानी कि युद्ध के बाद यहाँ जितने भी लैंड माइन लगे थे सभी को एक साथ डिफ्यूज कर दिया गया था। दाना अपने भाई की तलाश में गाँव पहुँचता है और अपने भाई को हर जगह ढूंढने लगता है, पर उसका भाई उसे कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। और तभी कुछ देर बाद वो एक ठेले के पास अपने भाई को देखता है। जाना भी उसे देख लेता है। दोनों भाई मिलते ही गले लग जाते हैं, दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। जाना को यहाँ अपने चाचा की कही हुई बात याद आती है कि अगर दोनों भाई एक साथ रहते हो तो तुम हर मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाओगे, और यहाँ आज उन्होंने यह एहसास किया क्योंकि जाना को लगने लगा था कि उसका भाई अब नहीं बचेगा। जाना को समझ आ गया होता है कि उसका भाई ही उसका सुपरमैन है, अगर वो उसके साथ है तो वो हर मुश्किलों का सामना कर सकता है और दोनों साथ हैं तो दोनों खुश भी हैं। इसलिए अब ये दोनों भाई अमेरिका जाने का ख्वाब छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें समझ आ चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है।